बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईमेल एक बहन की तरफ से आया है। उन्होंने कहा है कि मेरा सवाल आपसे ये है कि बेटी के रिश्ते के लिए लड़का और लड़की में कितने साल का फ़र्क होना चाहिए, और क्या अपनी बेटी की शादी उससे 10 साल बड़े लड़के से कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन। देखो, जिस बहन ने यह ईमेल किया है, अब हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से आपका जवाब तलाश करेंगे। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्र से बड़ी औरत से और अपनी उम्र से छोटी लड़की से भी निकाह फरमाया है। तो आपने बड़ी उम्र वाली औरत से भी निकाह किया, छोटी उम्र वाली लड़की से भी आपने निकाह किया। तो इससे पता चला कि इस्लाम के अंदर निकाह के लिए उम्र जो है, उम्र उससे ज़्यादा जो चीज़ मानी रखती है वो दीनदारी है। जिस लड़के से भी आप अपने बेटे का रिश्ता करना चाहती हो, उम्र से ज़्यादा अहमियत इस बात की है वो दीनदार हो, उसके आदात और अखलाक वो अच्छे हो, सही हो। उसके अलावा अगर आप अपने बेटी से 10 साल बड़े लड़के से ही अपने बेटी का निकाह कर रही हो, तो आज के हालात के अंदर कुछ उसके मेडिकल टेस्ट भी आप करा लो कि उसके अंदर बाप बनने की भी सलाहियत है या नहीं है। ऐसा ना हो कि वो इतना बड़ा हो कि उसके बाद में उसके अंदर बाप बनने की भी सलाहियत मौजूद ना रहे। तो ऐसे बहुत सारे हालात हैं, कहीं उसको कोई बीमारी, कोई मर्ज तो ना हो। उम्र का मसला नहीं है, बड़े उम्र वाले को आप अपनी बेटी दे सकती हो। उसके अंदर दीनदारी देखो, आदात देखो, अखलाक देखो, और ये जो मैंने कहा है बीमारियों वगैरह के मसाइल, उसकी थोड़ी सी अच्छी तहकीकात कर लो। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाएँ।